दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ बजाज वालों की सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल बजाज डोमिनार 400, जिसका हमारे पास 2024 का लेटेस्ट वेरिएंट में अरोरा ग्रीन कलर अवेलेबल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, मोटोमेटर्स चैनल में आपका स्वागत है। हालांकि कुछ दिन पहले ही बजाज वालों ने एक और अपनी न्यूली मोटरसाइकिल लॉन्च की है, पल्सर NS 400G करके। हालांकि उसमें आपको डोमिनार का ही इंजन मिल जाता है। आज के वीडियो में बताऊंगा इस मोटरसाइकिल में आपको क्या क्या नए अपडेट मिलते हैं और क्या रहने वाली है इस मोटरसाइकिल की ऑन रोड प्राइसेस, क्या ये मोटरसाइकिल आपके लिए खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो भाई जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। साइड से देखने में तो ये मोटरसाइकिल स्टाइलिश लुक में दिखती है, इसलिए तो हर एक राइडर्स का इस मोटरसाइकिल को खरीदने का सपना है। इस मोटरसाइकिल में आपको सबसे पहला अपडेट जो मिल जाता है वो मिलेगा BS6 फेज 2 का OBD2 E20 फ्यूल सपोर्ट का टैंक। इसमें आपको मिल जाएगा 13 लीटर का। इस पोर्शन में आपको स्टाइलिश सी रबर की पैडिंग लगी हुई मिलती है, जो इसकी सिर्फ खूबसूरती के लिए ही लगा हुआ है। और टैंक में आपको मिल जाएगा डोमिनार का 3D लोगो। ऊपर का पोर्शन आपको ग्लॉसी ग्रीन कलर में मिल जाएगा और नीचे का पोर्शन आपको मैट ब्लैक कलर में। इसका टैंक पूरा ही ग्रीन कर देते तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगता। क्या ये एक अपडेट और ऐड करना चाहिए बजाज वालों को, क्या लगता है आपको? देख लेते हैं मोटरसाइकिल को फ्रंट व्यू से। तो यहाँ पे इसका फ्रंट फेसिया तो मुझे तो भाई बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगता है। यहाँ पे आपको मिल जाती है बड़ी सी ट्रांसपेरेंट मजबूत विंडशील्ड। हैंडल बार में आपको नकल गार्ड मिल जाते हैं, ये भी आपको ड्यूअल पार्ट में मिल जाएंगे। इस मोटरसाइकिल में आपको फुल LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, जो दिखने में स्टाइलिश लगती है। और ये रहे इसके पॉइंटेड LED विंकर्स। बस एक ही कमी रह गई हजार्ड की। फ्रंट सस्पेंशन इसमें आपको मिल जाते हैं एंडोरेंस के टेलीस्कोपिक 43mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक, जो आते हैं 135mm व्हील ट्रेवल के साथ। फ्रंट फेंडर इसका मिल जाएगा आपको ड्यूअल पार्ट में, पीछे की तरफ आपको मैट ब्लैक कलर में मिल जाता है और आगे की तरफ आपको मिल जाएगा ग्लॉसी ग्रीन कलर में, जो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टाइल में आता है, जो मजबूत क्वालिटी का है। फ्रंट व्हील इसमें आपको मिल जाएगा स्टाइलिश सी डायमंड कट अलॉय व्हील में। इसमें आपको टायर MRF का मिल जाता है। इसका साइज आता है 110/70/17 का रेडियल टायर, जो आता है ट्यूबलेस। फ्रंट में आपको मिल जाती है 320mm की गोल्ड डिस्क। ये मोटरसाइकिल आती है भाई ड्यूअल चैनल ABS के साथ। इसमें आपको बायवे की कैलिपर असेंबली मिल जाएगी। साइड से देखने में तो ये मोटरसाइकिल भाई बहुत ही ज्यादा मस्कुलर दिखाई देती है, इसे आप छोटा हाथी भी कह सकते हैं। इंजन इस मोटरसाइकिल में आपको मिल जाता है 373.3 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व सिंगल स्पार्क प्लग लिक्विड कूल्ड FI इंजन। दोस्तों पहले ये मोटरसाइकिल जब BS4 के साथ आती थी तब इसमें आपको ट्रिपल स्पार्क प्लग मिल जाते थे, लेकिन जब से इसमें आपको BS6 फेज 2 का अपडेट मिल जाता है तब से इसमें आपको सिंगल स्पार्क प्लग मिल जाएगा। हालांकि बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सिंगल स्पार्क प्लग में हिल एरिया में जाने में आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलती है। मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 39.4 BHP की 8800 RPM पर। मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा ये इंजन 35 Nm का 6500 RPM पर। दोस्तों पावर और टॉर्क की वैल्यू तो आपको इसमें दमदार मिल ही जाती है। यहाँ पे आपको स्टाइलिश सा इसका लेग गार्ड मिल जाएगा और ये रहा इसका रेडिएटर और कूलेंट का सेक्शन। इंजन काउल भी आपको ड्यूअल पार्ट में मिल जाता है, ये आपको मजबूत प्लास्टिक का मिलेगा और यहाँ पे आपको ये पोर्शन मिल जाएगा मेटल का। इसका स्टाइल देख के तो ऐसा लगता है बजाज वालों ने इसे टाइम पास में लगा दिया होगा। ब्रेक पैड इसमें मिल जाएगा आपको एग्रेसिव स्टाइल में मेटल के। ये रहा राइडर फुटरेस्ट और पीछे की तरफ आपको मिल जाता है स्टाइलिश सा पिलियन फुटरेस्ट। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्विन बैरल एग्जॉस्ट, जिसकी आवाज तो भाई बहुत ही ज्यादा दमदार रहने वाली है। चलिए सुन लेते हैं इसकी एग्जॉस्ट नोट। जो बहुत ही ज्यादा बेसी है, अगर ये रोड में चलेगी तो जिसकी डुक डुक की आवाज तो आपको फील होगी। शायद ये मोटरसाइकिल आपको जनरेटर वाला फील करा देगी। और रियर में यहाँ पे आपको मिल जाता है मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक नाइट्रॉक्स फील्ड सस्पेंशन, जो आता है 110mm व्हील स्टोक के साथ। और ये रहा इसका मजबूत क्वालिटी का मड प्रोटेक्टर, जो सस्पेंशन में कीचड़ और पानी जाने से बचाएगा। रियर व्हील और टायर वही आगे की तरफ आपको सेम मिल जाता है, लेकिन इसका साइज आपको थोड़ा चौड़ा मिलेगा, जो आता है 150/60/17 का रेडियल टायर। ये भी आपको ट्यूबलेस टायर ही मिल जाएगा। रियर में आपको मिल जाती है 230mm की गोल्ड डिस्क। ये मोटरसाइकिल ड्यूअल चैनल ABS के साथ तो आती ही है। मोटरसाइकिल इतनी हैवी है तो ब्रेकिंग सिस्टम तो पावरफुल देना ही होगा। रियर व्यू में आपको टेल लाइट मिल जाती है स्प्लिट LED, जो खूबसूरत दिखाई देती है। और ये रहे इसके रियर पॉइंटेड LED ब्लिंकर्स।
रियर फेंडर इसमें आपको मिल जाएगा लॉन्ग, जो आता है मजबूत क्वालिटी का। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाएगी। इस मोटरसाइकिल में आपको मिल जाती है स्प्लिट सीट, जिसमें राइडर की सीट आपको बहुत ज्यादा डाउन मिलती है और पिलियन की सीट आपको थोड़ा ऊंची मिलेगी, जिसमें आप दो लोग ही कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं। कुशन आता है इसका मीडियम क्वालिटी का। और पीछे की तरफ आपको मिल जाता है कैरियर के साथ बैक रेस्ट, जिसमें आपको फॉर्म की पैडिंग मिल जाएगी। इस कैरियर में आप सामान बांध कर ले जा सकते हैं। हालांकि इसमें आपको टूरिंग किट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो आपको एक्सटर्नल एक्सेसरी में खरीदना पड़ेगा। और इस पोर्शन में आपको मिल जाएगा D400 का 3D लोगो। ये पोर्शन भी देखने में मस्कुलर दिखाई देता है। दूसरी साइड आपको मिल जाएगा एग्रेसिव स्टाइल में इसका गियर शिफ्टर। ये मोटरसाइकिल आती है स्लीपर क्लच के साथ। इस मोटरसाइकिल में आपको मिल जाएंगे 6 गियर, जो पहला डलेगा नीचे की तरफ और बाकी 5 ऊपर की तरफ। दोस्तों, इस मोटरसाइकिल में एक प्रॉब्लम ये है, अगर आप इस मोटरसाइकिल का पहला गियर डालेंगे तो आपकी मोटरसाइकिल खट से आवाज करती है और पूरी मोटरसाइकिल हिल जाती है। क्या ये दिक्कत आपकी मोटरसाइकिल में भी है? जो सबसे बड़ी कमी इसमें यही है, जिसको बजाज वालों ने इसको सुधारना चाहिए। ये रहा साइड स्टैंड। ये मोटरसाइकिल आती है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ। यहाँ पे आपको कोई भी सेंटर स्टैंड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ आपको मिल जाता है हाफ कवर्ड चैन कवर, जो स्टाइलिश सा दिखता है, लेकिन ये मजबूत प्लास्टिक का मिल जाएगा। ये रहा साड़ी गार्ड। दोस्तों, इसमें आपको लेडीज फुटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस मोटरसाइकिल में आपको मिल जाएगा ब्लैक कलर का सिंगल ट्यूब हैंडल बार। राइडिंग में तो ये कम्फर्टेबल फील कराने वाली है। देख लेंगे इसके हैंडल बार के फीचर्स, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की बैकलाइट मिल जाएगी। ये रहा इंजन किल स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच और सेल्फ स्टार्ट। दूसरी साइड आपको आगे मिल जाएगा पास का स्विच, हेडलाइट हाई लो बीम स्विच, इंडिकेटर टर्न स्विच और नीचे हॉर्न। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें मिल जाता है आपको स्प्लिट डिजिटल, जो आता है नेगेटिव डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाएगा। ये रहा RPM काउंटर। यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी और ये रहे इसके बेसिक से फीचर्स। टैंक वाले कंसोल में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा। ये रही रेंज और ये रहा ओडो, जो देखने में थोड़ा सिंपल सा लगता है। इस मोटरसाइकिल में आपको USB चार्जिंग का पोर्ट मिल जाएगा, जिसके कारण आप राइडिंग करते समय अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और ये रहा मोबाइल होल्डर, जो आप एक्सटर्नल एक्सेसरी में खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये थी मोटरसाइकिल के अपडेट और डिटेल्स। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो ओवरऑल लंबाई इस मोटरसाइकिल की आती है 2156 मिलीमीटर, चौड़ाई आती है 863 मिलीमीटर, ऊंचाई इस बाइक की आएगी 1243 मिलीमीटर, व्हील बेस इसमें आपको मिल जाता है 1453 मिलीमीटर का, ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का आता है 157 मिलीमीटर का, जो बहुत ही ज्यादा कम है। वजन इस बाइक का आता है भाई 193 किलो का, जो इस मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दुबले पतले लोगों से तो ये मोटरसाइकिल आसानी से हिलती भी नहीं है। टॉप स्पीड ये मोटरसाइकिल जाएगी 165 किलोमीटर पर आर की। माइलेज ये मोटरसाइकिल दे देती है भाई 27 प्लस का। इस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए आपको दाम पे करने पड़ेंगे 230,815 रुपए एक्स शोरूम, जो RTO इंश्योरेंस मिला के लगभग ऑन रोड बैठ जाएगी 286,800 रुपए के आसपास। इससे सस्ती इसके मुकाबले आपको NS 400G मिल जाती है, जो इससे लगभग 40,000 रुपए कम दाम में मिलेगी। लेकिन वो मोटरसाइकिल इस मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या वो भी KTM की तरह छपरी बन जाएगी, या फिर MT15, R15 और KTM 390 को वो सेल्स में पछाड़ देगी? क्या लगता है आपको? दोस्तों, सोच रहे हैं आप इस मोटरसाइकिल को खरीदना, तो थोड़ा टाइम और वेट कर लीजिए, क्योंकि बजाज वाले सभी अपनी मोटरसाइकिल को अपडेट कर रहे हैं। इसमें भी आपको सालों से कोई भी अपडेट नहीं मिलता, क्या पता इसमें भी आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर ऐसा ना हो आपको ये मोटरसाइकिल खरीद के बाद में पछताना पड़े। अगर आप राइडिंग करने का शौक रखते हैं और पावरफुल मोटरसाइकिल भी चाहिए और आपको दाम भी कम पे करने हैं, तो ये मोटरसाइकिल भाई आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। हालांकि ये मोटरसाइकिल भी मेरी भी फेवरेट है, बस कुछ कमियां है इस मोटरसाइकिल में, जैसे वेट की प्रॉब्लम। अगर आप उसको इग्नोर कर देते हो तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए वैल्यू फॉर मनी भी रहेगी और ये बेस्ट भी रहेगी। बाकी नीचे कमेंट में बताइएगा खरीदेंगे आप इसे और क्या क्या इसमें बजाज वालों ने चेंजेस करने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपका रेड दोस्त नवीन लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज राइड सेफ।